नमस्ते दोस्तों, हमारे चैनल रेसिपी बाजार में आपका स्वागत है। दिवाली बस आने ही वाली है और इस खास मौके को मीठा बनाने के लिए हम बनाएंगे ब्रेड गुलाब जामुन। इसे बनाने के लिए हमें चाहिए ब्रेड के स्लाइसेस, चीनी, इलायची, दूध। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम मिक्सी के जार में ब्रेड के स्लाइसेस को तोड़ कर डाल देंगे। आप चाहे तो इसके साइड्स कट करके निकाल सकते हो। मैं मिक्सर में पीस रही हूँ, इसलिए नहीं कट कर रही, क्योंकि पीसने के बाद ये बारीक हो जाएगी। ये मिठाई बनाने में बहुत आसान है, लेकिन टेस्ट में भी लाजवाब है। परफेक्ट है आपके दिवाली के सेलिब्रेशन के लिए। इसे हम पीस लेते हैं। ये देखिए, इसे मैंने अच्छी तरह से पीस लिया है। अब इसे एक प्लेट में ट्रांसफर कर लेंगे। ये देखिए, ब्रेड स्लाइसेस अच्छी तरह से पीसी हुई है। ब्रेड के बड़े बड़े टुकड़े नहीं होने चाहिए। मैंने 8 से 9 ब्रेड के स्लाइसेस लिया था। अब इसमें थोड़ा थोड़ा दूध डालकर अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। दूध मैंने रूम टेम्परेचर में ही लिया है। धीरे धीरे मिक्स करते हुए एक डो बना ले। एक बार में ढेर सारा दूध नहीं डालना है, थोड़ा थोड़ा करके ही डाले, ताकि डो हमारी बहुत ज्यादा गीली ना हो जाए। ध्यान रखिए कि डो सॉफ्ट होनी चाहिए, चिपचिपा नहीं। इसे जेंटली नीट करें जब तक ये स्मूथ ना हो जाए। ये देखिए, डो मैंने गूंथ लिया है सॉफ्ट सा। अब डो से छोटी छोटी बोल्स बनाते हैं। बोल्स को सेम साइज में ही बनाएं। हमें बिल्कुल स्मूथ और क्रैक फ्री बोल्स ही बनानी है। आप चाहे तो सेंटर में चॉप्ड ड्राई फ्रूट्स भी भर सकते हैं। अब हम बना लेते हैं चाशनी, जो हमारे ब्रेड गुलाब जामुन को फ्लेवर देगी। कोई भी पैन या कढ़ाई में पानी बॉयल होने दें। जितना पानी लेंगे, ठीक उसी के बराबर चीनी लेंगे। इसे मीडियम हीट में बॉयल होने दें। चाशनी को अच्छे से चलाते रहें ताकि शुगर अच्छे से डिसॉल्व हो जाए। अगर आपके पास कोई भी मिठाई की चाशनी बची हुई हो तो आप उसका भी रीयूज कर सकते हैं। चाशनी बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी और पहले की बची चाशनी वेस्ट भी नहीं होगी। इस बात का ध्यान रखना कि ये चाशनी बहुत जल्दी से बन जाती है। इसे ज्यादा देर पकाने की जरूरत नहीं है। चाशनी हमें ऐसी ही बनानी है कि हमें बहुत ज्यादा गाढ़ी नहीं चाहिए, बहुत पतली भी नहीं चाहिए। चाशनी ऐसे बनाने हैं कि जैसे हम उसे उंगली में लगाएं तो ऐसा लगे कि जैसे हाथ में तेल लगा हुआ हो। चाशनी हमारी रेडी है लगभग। तब तक हम गुलाब जामुन को तल लेते हैं। ब्रेड वाले गुलाब जामुन को फ्राई करने के लिए ज्यादा ऑयल नहीं लेंगे, यानी कि इन्हें एकदम डीप फ्राई भी नहीं करना है। अगर आप एकदम डीप फ्राई करोगे तो उनके टूटने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। आप देख सकते हो मैंने ज्यादा तेल नहीं डाला है। एक एक करके गुलाब जामुन के बोल्स ऑयल में ऐड कर लेंगे। ध्यान रखें कि ऑयल बहुत ज्यादा गर्म ना हो, वरना गुलाब जामुन बाहर से जल्दी ब्राउन हो जाएंगे और अंदर से कच्चे रह जाएंगे। गुलाब जामुन को बेचेस में फ्राई करें और जेंटली टर्न करें ताकि वे इवनली ब्राउन हो जाए। आपको इन्हें मीडियम फ्लेम में ही पकाना है। हो सके तो चम्मच से ही स्टर करें। इन्हें आप हल्के हाथों से स्टर करना बीच बीच में, ताकि सारी तरफ बिल्कुल इवन कुकिंग हो गुलाब जामुन में। कहीं से ऐसा ना हो कि ज्यादा हो जाए या कम हो जाए। जब एकदम इवन कलर आ जाए तो इन्हें गर्म गर्म निकाल कर ही चाशनी में डाल देंगे। फ्लेवर के लिए इलायची ऐड करें। आप चाहे तो थोड़ा केसर भी डाल सकते हो। इन्हें कम से कम 1 से 2 घंटे सोक होने दें ताकि चाशनी अच्छे से एब्जॉर्ब हो जाए। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब करें। आपको और आपके परिवार को मीठी और खुशियों भरी दिवाली की शुभकामनाएं।